दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आतंकवादी लगातार प्राची और रणवीर को टारगेट कर रहे हैं और इधर प्राची लगातार रणवीर से बोल रही हैं कि रणवीर तुमने मुझे किसी लायक का छोड़ा नहीं, मैंने ज़िंदगी में तुम पर इतना ज़्यादा भरोसा किया था लेकिन तुमने मेरे भरोसे का चकनाचूर कर दिया। जिसके बाद में रणवीर बोलेगा कि तुम तो इस बात को बोलो ही मत ना, तुमने तो बिगड़ सोचे समझे अच्छे से शादी कर ली, कम से कम मेरी ये तो देखो कि मैंने आज तक तुम्हारे अलावा ना किसी को चाहा था और ना मैं मरते दम तक किसी को चाहूँगा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्राची तुम ऐसा कुछ करोगी। आप लोग जानते ही हैं कि रणवीर और प्राची लगातार अलग अलग चीज़ के लिए जाने जा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय रणवीर गुंडों से लड़ेगा प्राची के लिए और प्राची वाकई में सपोर्ट में है। उधर अक्षय सोचता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार प्राची लगता है आज भी बेपनाह प्यार करती है रणवीर से। वहीं दोस्तों मिहिका की बात की जाए तो मिहिका को कहीं ना कहीं रणवीर की बहादुरी पर बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा फायदा हो रही है कि रणवीर की बहादुरी देखो कि उसने प्राची को बचा लिया, सभी लोगों को बचा लिया रणवीर ने और तो और अक्षय को भी बचाया है सभी लोगों को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिहिका और भी ज़्यादा खुश हो रही हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रणवीर अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो किसी और से नहीं बल्कि आप लोग जानते ही हैं कि समय सबसे ज़्यादा वो प्यार करते हैं सीधा सीधा प्राची से रणवीर। जी हाँ दोस्तों, इधर रणवीर की मोम पल्लवी आई हुई है और पल्लवी का मानना यह है कि जो हो रहा है वो बेहद ज़्यादा अलग हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पल्लवी लगातार प्राची को दोषी ठहराती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक